नमस्कार दोस्तों, हम लोग एनबीएस टीजीटी साइंस 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अब तक कुल 65 प्रश्नों को फुल डिटेल के साथ हल किया था। अब हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नॉट फैसिलेट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन एट्रियल ब्लड। ये बोल रहा है कौन सा फैक्टर एसोसिएटेड नहीं है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन एट्रियल ब्लड। जब लो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का टिश्यू में, या हाई कार्बन डाइऑक्साइड, हाई पार्शियल प्रेशर हो कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू में, या एक और कंडीशन हाई एच प्लस आयन कंसंट्रेशन हो या लो पीएच हो ब्लड में, लो पीएच इन ब्लड, और चौथी कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो इतने जो ये चार फैक्टर हैं दोस्तों, ये फैसिलेट करते हैं डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन आर्टेरियल ब्लड। तो अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है लो टेम्परेचर। तो ये दोस्तों अभी हमने बताया हाई टेम्परेचर फैसिलेट करता है डिसोसिएशन, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट फैसिलेट, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और ये हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये फैसिलेट करेगा डिसोसिएशन। हाई एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, ये भी फैसिलेट करेगा। हाई टेम्परेचर, ये भी फैसिलेट करेगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये बोल रहा है डायाफ्राम एन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन। तो ये करेक्ट है, क्योंकि उस टाइम जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगर यही दोस्तों एक्सपायरेशन होता, इंस्पायरेशन है यहाँ तो ये एक्सटर्नल है, अगर यहाँ एक्सपायरेशन होता तो ये इंटरनल। अब हम अपने दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, डायाफ्राम एक्सपायरेशन के दौरान डायाफ्राम रिलैक्स करता है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उस दौरान जो होता है डिक्रीज करना होता है वैल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, और इंस्पायरेशन में जो है वो वैल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज करती है। तीसरा ऑप्शन है एब्डोमिनल मसल प्ले एक्टिव रोल इन इंस्पायरेशन, तो ये रॉन्ग है। ये पूछ रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल प्ले नहीं करती है एक्टिव रोल इन इंस्पायरेशन, ये प्ले करती है एक्टिव रोल जब कहीं भी फोर्स एक्सपायरेशन हो रहा हो। अब हम अपने चौथे ऑप्शन पे आते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अकर्स ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो अभी हमने बताया था एब्डोमिनल मसल एक्टिव रोल प्ले करती है कब, जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट एसरेशन एंड रीजन। चूंकि इसमें ये कैस्पीरियन स्ट्रिप की बात कर रहा है और सिम्प्लास्टिक पाथवे की बात कर रहा है, थोड़ा सा हम डाइकॉट रूट के बारे में जान लेते हैं। डाइकॉट रूट की जो रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल होती है, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल में क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमीएबल बैक्सी मटेरियल सुवेरिन का इन फॉर्म ऑफ कैस्पीरियन स्ट्रिप। और क्या होता है, अगर जो एंडोडर्मल वॉल पे कैस्पीरियन स्ट्रिप का डिपोजिशन हो गया, तो वाटर जो है वो मूव करेगा किससे, थ्रू सिम्प्लास्टिक पाथवे से। क्यों वाटर क्यों मूव करेगा सिम्प्लास्टिक पाथवे से, क्यों, क्योंकि जो एंडोडर्मल वॉल है
परमिएबल है वाटर के लिए क्योंकि उस पर डिपोजिशन है। कैस्पीरियन स्ट्रिप का, और कैस्पीरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, बैक्सी सब्सटेंस सुबरिन की। तो अब हम अपने एसरेशन पे आते हैं। कैस्पीरियन स्ट्रिप कहाँ होती है, एंडोडर्मिस ऑफ द रूट में, ये सुबेराइज्ड होती है, तो ये करेक्ट है। अभी हमने बताया रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल, डिपोजिशन ऑफ वाटर, इम्परमिएबल बैक्सी मटीरियल, सुबरिन इन फॉर्म ऑफ कैस्पीरियन स्ट्रिप। तो रीजन क्या दे रहा है, वाटर मूव करेगा थ्रू सिम्प्लास्टिक पाथवे इन एंडोडर्मिस, तो ये भी करेक्ट है, इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जब डिपोजिशन ऑफ सुबरिन हो जाएगा तो ये वाटर इम्परमिएबल इसके लिए हो जाएगा, इसलिए जो है वाटर मूव करेगा सिम्प्लास्टिक पाथवे के द्वारा। तो एसरेशन एंड रीजन करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है एक पर्सन है, उसका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो वो एक्टिवेट करता है हाइपोऑस्मोटिक सेंटर ए को। चूंकि हम सभी जानते हैं जो ब्लड प्रेशर होता है वो रेगुलेट किससे होता है, हाइपोथैलमस के द्वारा, हाइपोथैलमस के द्वारा। अब जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है हार्मोन, ये सिक्रीट करता है हार्मोन ए डी एच। ये सिक्रीट क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा हार्मोन ए डी एच, ये भी है। अब इसके आगे ये बोल रहा है इंक्रीज अमाउंट ऑफ बी विल सी द वाटर एब्जॉर्प्शन इन डी सी टी एंड प्रोड्यूस डी यूरिन। तो ये बोल रहा है कि जब इंक्रीज अमाउंट हो रहा है ए डी एच का या बी का, ये बोल रहा है इंक्रीज अमाउंट ऑफ ए डी एच बिल, अगर ए डी एच का अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ए डी एच का काम ही होता है इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। जब इंक्रीज अमाउंट ऑफ ए डी एच होगा तो वो इंक्रीज करेगा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन डी सी टी, क्योंकि ये ए डी एच एक्ट करता है किस पे, डी सी टी पे। चूंकि जब ये वाटर मैक्सिमम ए डी एच एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस टाइम क्या प्रोड्यूस होगी, कंसंट्रेट यूरिन, कंसंट्रेट यूरिन। ये ऑप्शन डी है और ये सी इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट में हाइपोथैलमस है, एडीएच है, फिर ये बोला है डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज करेगा वाटर एब्जॉर्प्शन क्योंकि यही इसका फंक्शन है। अब हम अपने सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, हाइपोथैलमस एडीएच, जब एडीएच का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज करेगा वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से क्या होगी, कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस होगी, तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, फोबिया सेंट्रलिस का मतलब होता है येलो स्पॉट्स या मैक्यूला ल्यूटिया विद सेंट्रल पिट, जिसे कहते हैं फोबिया। दूसरा एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ कहाँ पाया जाता है, एंडोलिम्फ पाया जाता है इंटरनल ईयर में, क्योंकि इंटरनल ईयर के अंतर्गत जो पार्ट होता है वो एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ में डिवाइडेड होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंडोलिम्फ कहाँ पाया जाता है, इंटरनल ईयर में। आयरिस, आयरिस जो है कलर ऑफ आई, कौन क्या है, कौन आइडोप्सिन है, अगर यही रॉड होता, अगर यही रॉड होता तो ये होता रोडोप्सिन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग रिगार्डिंग द ऑक्सिन। अब हम ऑक्सिन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये ऑक्सिन जो होता है वो इनिशिएट करता है क्या, रूटलिंग करवाता है किसमें, स्टेम कटिंग में, और क्या करवाता है, ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग किस में, प्रमोट करता है फ्लावरिंग पाइन एप्पल में, और ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप कब, एट अर्ली स्टेज
ये प्रमोट करता है एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स को, मतलब ये प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीव्स ड्रॉप को अर्ली स्टेज में, लेकिन ये प्रमोट करता है एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स को। अब और क्या काम करता है, ये काम करता है प्रमोट करता है एपिकल बड फॉर्मेशन में या एपिकल बड की ग्रोथ को, इसलिए ये कास करवाता है एपिकल डोमिनेंस, क्योंकि उस टाइम ये इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल एक्सिलरी बड को। और क्या करता है, ये इंड्यूस कराता है पार्थिनोकार्पी किसमें टोमेटो में। और ये किल करता है हर्बिसाइड डाइकॉट प्लांट में। तो अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सिन एप्लीकेशन ऑन स्टेम कटिंग, ये इनिशिएट करता है एडवांटेजियस रूट फॉर्मेशन। अभी हमने बताया स्टेम कटिंग में इनिशिएट करता है रूट फॉर्मेशन, तो ये करेक्ट है। प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन लीची एंड पाइनएप्पल, ये भी हमने बताया फ्लावरिंग प्रमोट करता है। ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एपिकल डोमिनेंस, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये प्रमोट करता है एपिकल बर्ड के ग्रोथ को, इसलिए एपिकल डोमिनेंस करवाता है, क्योंकि उस टाइम वो इनहिबिट करता है लेटरल या एक्सिलरी बर्ड को। हम अपने चौथे ऑप्शन पे आते हैं ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लोटिंग इन रोस्टिल प्लांट, तो ये रॉन्ग है, ये हमसे रॉन्ग ही पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन ऑक्सिन के रिकॉर्डिंग रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। इसके लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, जिब्रेलिन हार्मोन ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ब्लोटिंग इन रोस्टिल प्लांट। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है जो हाई कंसंट्रेशन है डीडीटी ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन इन बर्ड क्या कॉज करता है। दोस्तों इसको हम 2019 के पेपर में पढ़ चुके थे कि बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके पहले वाले ईयर में भी पूछा गया है, मतलब 2016 में, और यही सेम क्वेश्चन फिर बायोमैग्निफिकेशन के अंतर्गत 2019 में आया था, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, तो ये कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाए डीडीटी का तो ये कास करता है थिनिंग ऑफ एग सेल। जब थिनिंग हो जाएगी एग सेल की तो क्या होगा, प्रीमैच्योर ब्रेकिंग होगी एग सेल की, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। तो अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी डज नॉट कॉजेस, पहला ऑप्शन है चेंज इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो ये सही है। दूसरा थिकनिंग ऑफ द एग सेल, तो ये रॉन्ग है। अभी हमने बताया ये कॉज करता है थिनिंग ऑफ द एग सेल, जिसकी वजह से प्रीमैच्योर ब्रेकिंग होती है एक्सेल की, इसके बाद जो है डिक्लाइन कर जाता है बर्ड पॉपुलेशन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है गैसेस प्रोड्यूस बाय एनएरोबिक स्लग डाइजेस्टर ड्यूरिंग सुबस ट्रीटमेंट, तो जो एनएरोबिक दोस्तों स्लज डाइजेस्टर होता है उस पे अनदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करता है किस पे, एनएरोबिक स्लग डाइजेस्टर पे एक बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करता है कैसे, एनएरोबिकली एंड डाइजेस्ट करता है जो बैक्टीरिया और फंजाई है स्लज में, मतलब एक दूसरे टाइप का बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करता है एनएरोबिकली इन एनएरोबिक स्लग डाइजेस्टर में, और डाइजेस्ट करता है बैक्टीरिया और फंजाई जो स्लज में प्रेजेंट है। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है क्या, मिक्सचर ऑफ द गैसेस
मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज गैस क्या बनाती हैं? बायोगैस, और यूज होती हैं एज ए सोर्स ऑफ, किसके सोर्स ऑफ एनर्जी जब वो जलती हैं। तो अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। गैसेस प्रोड्यूस बाय एनएरबिक स्लग डाइजेस्टर ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, अभी हमने बताया मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द गैसेस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, इसे सबलिमेशन कहते हैं, तो ये ऑप्शन यही रॉन्ग है। अब हम अपने आंसर को थोड़ा सा समझाते हैं दोस्तों। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है इस टॉपिक से पहले भी कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अगर बोला जाए सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड, तो इसे कहते हैं सबलिमेशन। जबकि ये क्वेश्चन बोल रहा है गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू द सॉलिड विदाउट चेंजिंग इंटू द लिक्विड स्टेट, तो इसे कहते हैं डिपोजिशन, नॉट द सबलिमेशन। इसे सबलिमेशन नहीं कहते, इसे डिपोजिशन कहते हैं। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाए सॉलिड चेंज इंटू द लिक्विड, तो उसे कहते हैं फ्यूजन। अगर लिक्विड चेंज इंटू द सॉलिड, तो इसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अगर लिक्विड चेंज इनटू द गैसेस, तो इसे वेपोराइजेशन कहते हैं। अगर गैसेस चेंज इनटू द लिक्विड, तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड लोअर डाउन विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये करेक्ट है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन एक स्टेट ऑफ मैटर है जो फॉर्म होता है कूलिंग ऑफ द गैसेस विद एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज करता है बट डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो ये भी करेक्ट है। इस तरीके से हमारा रॉन्ग ऑप्शन है ये सबलिमेशन वाला, क्योंकि सबलिमेशन कहते हैं सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना विदाउट चेंजिंग इन टू द लिक्विड स्टेट, कहलाता है सबलिमेशन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है व्हाट इज एनर्जी रिक्वायर्ड हीलियम प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन स्टेट में, फिर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देता है। ये बोल रहा है अगर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट में है, तो इसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। चूंकि हम जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का जो फार्मूला होता है 2.18 × 10⁻¹⁸ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कब करेंगे 2.18 × 10⁻¹⁸, चूंकि जो हीलियम होता है उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कह सकते हैं 2 होता है, इसको इसका वर्क कर देंगे ग्राउंड स्टेट में है तो 1² तो ये आ जाएगा 2.18 × 10⁻¹⁴, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.72 × 10⁻¹⁸ जूल, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एसरेशन और रीजन दिया है, फिर इसके बारे में पूछ रहा है एसरेशन और रीजन राइट है या रॉन्ग है। अब हम थोड़ा सा डेल्टा फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं, तब हमें ये क्वेश्चन आसानी से समझ आएगा। डेल्टा कब बनता है, डेल्टा फॉर्म होता है कब, एट मीटिंग पॉइंट, कहाँ, एट मीटिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर और रिवर वाटर। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर होता है उसके पास क्या होता है, ये कंटेन करता है सी वाटर लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सी वाटर कंटेन करता है। और रिवर वाटर क्या है इज ए कोलाइडल सोल्यूशन है सैंड का, रिवर वाटर कोलाइडल सोल्यूशन है सैंड का और क्ले का। इसलिए कोलाइडल पार्टिकल मीट करते हैं किससे, इलेक्ट्रोलाइट से
इलेक्ट्रोलाइट्स है जो सी वाटर में है, सी वाटर में है तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट का, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है क्ले का और ये बनाता है डेल्टा, ये बनाता है क्या, डेल्टा। अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। एसरेसन बोल रहा है डेल्टा इज फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ रिवर एंड द सी बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ क्ले पार्टिकल, तो अभी हमने बताया डेल्टा बनता है एट मीटिंग पॉइंट ऑफ द सी वाटर एंड रिवर वाटर, क्यों, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट का जो सी वाटर में है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाता है क्ले का और ये बनाता है डेल्टा, तो ये एसरेसन करेक्ट है। रीजन पे आते हैं, रिवर वाटर एंड सी वाटर अंडरगोज ए केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म द डेल्टा, तो रीजन भी करेक्ट है क्योंकि जो सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट है और रिवर वाटर में कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये जब मीट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, ये केमिकल रिएक्शन है, तो एसरेसन एंड रीजन करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेसन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ एथिल अल्कोहल 950 ml ऑफ वाटर, जो भी क्वांटिटी कम अमाउंट में होती है वो सॉल्यूट को दर्शाता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होती है वो हमेशा याद रखो ये सॉल्वेंट होता है, चूँकि सॉल्यूशन का पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ही मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूट का 50 है, सॉल्वेंट का 950, तो ये हो जाएगा 1000 ml या 1 liter, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 liter। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था प्राउस्ट ने, पी से प्रोपोर्शन और ये पी से ट्रिक है प्राउस्ट, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसने दिया था, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आर से रेसिप्रोकल, आर से रिचर, और लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ द मैटर इसको दिया था लेवोसियर ने, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसको दिया था डाल्टन ने। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, चूंकि हम सभी जानते हैं n बराबर अगर मान लो 2 दिया है तो l की वैल्यू जो होती है वो n माइनस 1 होती है, अगर s p d f ऑर्बिटल के रूप में है, ऑर्बिटल के रूप में है तो L की जो वैल्यू होती है S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 3 होती है। अगर यही हमसे M की वैल्यू पूछी जाती तो ये माइनस L टू 0 टू प्लस L तक होती है M की वैल्यू, और S की प्लस माइनस हाफ होती है। तो हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। एन बराबर 3 दिया है तो एल बराबर 3 नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने बताया एल बराबर होता है एन माइनस 1, तो एन से एक कम होगी एल की वैल्यू, तो ये नहीं पॉसिबल है। अब हम अपने अगले ऑप्शन पे आते हैं। ये बोल रहा है एन बराबर 2 एल बराबर 1, तो ये सही है क्योंकि 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और एम की वैल्यू अभी हमने बताया माइनस एल टू 0 टू प्लस एल, तो इसकी वैल्यू प्लस 1 हो सकती है, इसकी वैल्यू होगी प्लस 1 0 माइनस 1, और एस की वैल्यू होती है प्लस माइनस हाफ कुछ भी। तो थर्ड ऑप्शन पे चेक करते हैं, एन बराबर 1 तो एल बराबर 0, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये भी करेक्ट है, एम बराबर 0 तो ये भी करेक्ट है, इसकी वैल्यू कुछ भी होगी प्लस माइनस हाफ में। अब हम अपने चौथे ऑप्शन पे आते हैं, एन बराबर 4 तो एल बराबर 1 भी हो सकता है, क्या पता ये पी ऑर्बिटल की बात कर रहा है, जब ये पी ऑर्बिटल की बात करता है तो एल बराबर जो होता है 1, और एम की वैल्यू क्या होती है माइनस एल टू 0 टू प्लस 1 प्लस एल, और एस की वैल्यू होती है प्लस माइनस हाफ, तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट हैं,
केवल फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड इन 4D ऑर्बिटल रेस्पेक्टिवली। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर SPDF ऑर्बिटल की बात करें, तो इसके लिए जो L की वैल्यू होती है, S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है। क्योंकि जो फार्मूला होता है दोस्तों, नंबर ऑफ एंगुलर नोड वो बराबर होता है L के। चूंकि ये है 4D ऑर्बिटल, तो 4D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि ये L के बराबर होता है एंगुलर नोड। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एंगुलर नोड हो जाएगा 2। तो हम ऑप्शन को चेक करते हैं, फर्स्ट और थर्ड हो सकता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ रेडियल नोड, इसके लिए फार्मूला होता है n-l-1। n की वैल्यू क्या है? 4, l की वैल्यू है 2-1। अब हम इसको जब माइनस करेंगे, 2-1=1, नंबर ऑफ रेडियल नोड आया 1, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने NBS-TGT साइंस का जो पेपर था उसको सॉल्व किया है। इसके पहले हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, फिर हमने 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने 2019 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, क्योंकि मैंने 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको फुल डिटेल के साथ सॉल्व किया था। अगर आप उसको अच्छे से देखे होंगे, तो आपको जब आप 2016 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग 2016 और 2019 का क्वेश्चन पेपर जो हमने करवाया है साइंस का, उसको फुल डिटेल के साथ ज़रूर देखें, क्योंकि ये अपने आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।